प्रवर्तना महाशयन लीला महाशयन लीला महा गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया मैं पुकारो तेरो नाम तेरो नाम गंगा मैया ओ गंगा मैया 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 गंगा मैया मैं पुकारो तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया मैं पुकारो तेरो नाम तेरो नाम गंगा मैया मैं पुकारो तेरो नाम तेरो नाम प्रिय धार्मिक जनों महाशयन लीला महायज्ञोपवीतम महादृष्टा महायुग प्रवर्तनाम प्रिय धार्मिक जनों यह जो घड़ी प्रभात वेला शुभ वेला में आज का महत्वपूर्ण संदेश महाशयन लीला उस परम ब्रह्म परमात्मा का युग परिवर्तन में महासैन्य लीला के आह्वान हेतु यह दृष्टि आदेशित हुआ है जहाँ की महायज्ञ में उस काली चामुंडाई की जो इस पवित्र मंदिरस्थ स्वरूप जहाँ सर्प से भरा एक क्षेत्र सर्प विद्यांश नैनम विद्याम नैना की जो विद्या है और नयन बंद करके उस जगह में उस परमपिता परमेश्वर के आशीष में
माता ने उसके चरणों में लेके गया, जो विशाल समुद्र के गहराइयों में एक ऐसा अनंत नाग, अनंत ईश्वर, अनंत परमेश्वर का एक कोठी हो, कोठी माया हो उस जगह पे, और वहाँ से एक आदेशित है कि एक युग परिवर्तन महासैन्य, एक ऐसी सैन्य और एक ऐसे युग दृष्टा सैन्य का निर्माण करे जो कि आने वाले भविष्य के हजारों वर्षों तक, युगों युगों तक जो अग्रपंक्ति की भूमिका निभाए, जो धम्म रक्षक, जो विश्व धम्म में विश्व धम्म दीक्षा पाकर एक धम्म रक्षक, विश्व धम्म रक्षक का की भूमिका वहन करे, निर्वहन करे, और यह जो विश्व धम्म की जो भूमिका में निर्वहन में वो लोग इतने आगे, इतने अग्रसर हो, इतने अग्रसर हो कि निरंतर और इस विश्व के, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के जो महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण इतिहास में उनकी अग्रपंक्ति भूमिका, उस महासैन्य का उस भूमिका हो, और सारा विश्व, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारे दैवी जगत उस महासैन्य की, उस महासेना का उद्घोष करेगी, गुणगान करेगी, और देवो देव में, इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, सर्वत्र उस महासैन्य का गुणगान, गुणगायन उस परमेश्वर के द्वारा किया जाएगा। परिया उनको फूलों से स्नान करेगी उस महासैन्य की। तो साथियों, यह उस महासैन्य आह्वान का संदेश है उस परमपिता परमेश्वर का। आप सभी इसमें धम्म रक्षक सैन्य बनकर भागी बने। और वह जो गंगा माता, जो पवित्र स्थली धरती, जो उस वैकुंठ धाम को लौटने को है आज की इस कली अपुरुष और पापी जनित दुनिया के पूरा द्वेष, घृणा और मिथ्या व्यभिचार से व्यथित होकर वह उस वैकुंठ जनित धाम में आ गई। वह उस महासैन्य, उस महासैन्य अभियान के, महासेना के जो गौरवपूर्ण गायन करते हैं उसको पवित्र, उसकी चरणों में, महासैन्य के चरणों में अपना वात्सल्य लीला, अपने जल प्रवाह को वह विसर्जित कर देने वाली है, शुद्ध पवित्रम करने वाली है। तो वह उस महासैन्य के, महासैन्य का अर्धांगनी बनकर वह जो गंगा माता उनको पवित्र करने वाली है। तो यह आवाहन उस महासैन्य के लिए, उस धम्म रक्षक, धम्म दीक्षकों के लिए। साथियों, आप इसमें आए, अपने हृदय में क्षमा, करुणा, प्रेम, दया और बंधुत्व की भावना लेकर, उस महासैन्य का प्रथम गुण है जिसके हृदय में क्षमा, दया, प्रेम, बंधुत्व और करुणा की जो भावना होगी वही महासैन्य बनेगा और वही महाधम रक्षक होगा। और यही मन महाधम रक्षक आज की आने वाली विश्व की, इस पृथ्वी की पीढ़ियों को और इस पाप के, पृथ्वी के पाप के को उद्धार कर पाएगा और उद्धार कराने में महत्वपूर्ण अग्रपंक्ति की भूमिका निभा पाएगी। प्रिय धार्मिक जनों, इसमें, इस कृत्य में, इस कर्म में आप सभी को, आप सभी सर्वत्र अपना महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण गायन परमपिता परमेश्वर के चरणों में देने को आमादा हूँ और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी निभाएं जो धम्म रक्षक है, धम्म दीक्षक है। अन्यथा अन्य लोग जो इस महासैन्य नहीं हैं, इनके विनाश और इनकी दुर्बुद्धि, कुर्बुद्धि को तो विनाशित करने में यही सैन्य के तलवार के हत्थे चढ़ने वाले हैं। इनके धम्म रक्षक, धम्म दीक्षक, विश्व धम्म के ज्ञान के भी इनको से वो मृत हो जाने वाले हैं, मृत्यु को, मृत्यु लोग में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उस परमपिता परमेश्वर की, उस एक आत्मा अड़ाकार परमेश्वर, उस निर्गुण परमेश्वर का परम संदेश है। साथियों, इस महाकल्प समय में, महायुग परिवर्तन में महासेना बनने के लिए, महायुग दृष्टा बनकर आप सब भागी बनिए। सर्वत्र जो क्रांति आज जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, विखंडित विचारधारा दिया जा रहा है, आज रिसेंट आप राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे पीएमओ कार्यालय से एक आर्थिक सलाहकार कमेटी के द्वारा एक सर्वे आता है, एक सर्वेक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण में क्या कि धार्मिक हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक के धार्मिक हिस्सेदारी करके अभी रिपोर्ट आई, ये कल का ही रिपोर्ट है साथी, और किस तरीके से लोगों को एक उन्मादी प्रवृत्ति में एक विखंडित करने के लिए, भाईचारा और बंधुत्व की भावना को विखंडित करने के लिए ऐसी रिपोर्ट लाया जाता है। यह रिपोर्ट क्या कहता है कि आपके यहाँ के 1950 से 2015 तक
कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है और जो मेजोरिटी बहुसंख्यक है, इसकी संख्या वृद्धि को बताता है और किस तरीके से आपकी डाटा मैनिपुलेशन करके बताता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो हमारे यहाँ जो धार्मिक संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय जो कि 1950 में 9% के लगभग थी, वह अभी 14% हो गई, तो वो उसको बताता है कि किस तरीके से सापेक्षिक रूप से 43% बढ़ा है। और ये बताता है कि आज पहले 1950 के लगभग बहुसंख्यक जो हिंदू, जो आपके हिंदू जो वे ऑफ लाइफ है, हिंदू एक कोई धर्म विशेष नहीं रहा, उसको बताता है कि 84% था, अभी के हालिया परिप्रेक्ष्य में 78% हो गया है, ये बता रहा है। और यह क्यों बता रहा है कि और यह परिप्रेक्ष्य रूप से 7.89 मतलब 8% के लगभग गिरावट दर्ज करी गई है। इसी तरीके से जैनिस्ट पॉपुलेशन में बुद्ध पॉपुलेशन कुछ बढ़ा है, जैन पॉपुलेशन घटा है, ये बताया जा रहा है। इसी तरीके से क्रिश्चियन जो ईसाई समुदाय का ग्रोथ बढ़ा बताया जा रहा है कि 2% था, 2% 2.9 वो 3% के लगभग हो गया। तो यह साथियों धार्मिक भेदभाव के नाम से जब आप धर्म के नाम पर ऐसी भागीदारी के नाम से एक मैनिपुलेशन, और अभी के हालिया समय में जब आपके लोकसभा के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस तरीके के आप जब रिपोर्ट ला सकते हो कि एक भेदभाव बढ़ाए, उन्मादी बढ़ाए, लोगों को एक दूसरे से आप जो आपका एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो प्रोपेगेंडा है कि वह किस तरीके से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध वह नफरत फैलाती है, हिंसा फैलाती है और बहुसंख्यकों को उनके विपक्ष में लड़ाने का कार्य करती है। तो यह क्यों होता है साथियों कि यह एक राजनीतिक लाभ के लिए ये अराजनीतिक कृत्य करते हैं। और ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 324 के तहत, और इनको इलेक्शन कमीशन इंडिया के जो RPA एक्ट है, जैसे इसके लिए एक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, इसके धारा 23C ये कहता है कि कोई भी जो पार्टी जो राजनीतिक उम्मीदवार हैं किसी धर्म के विपक्ष इस तरीके से भेदभाव प्रोपेगेंडा या इस तरीके के प्रचार के माध्यम से कोई भी किसी भी तरीके का उन्मादी बढ़ाने के लिए, भाईचारा बंधुत्व को नष्ट करने के लिए ऐसी भावनाएं नहीं एक्सपेंड करेगी, नहीं प्रसार करेगी, तो किस तरीके से हमारे जो हेड गवर्नमेंट ऑफ हेड जो राज्य के अभी प्रमुख, राष्ट्र के जो प्रमुख हैं, जैसे PM द्वारा कि एक धर्म समुदाय को विशेष को टारगेट करके, लक्षित करके धर्म के नाम पे ऐसा किया जाता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी कुछ भी कार्रवाई नहीं करती, तो ये लोकतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक प्रणाली है और आपकी जो व्यवस्था सिस्टम है इसका ये बुरी तरीके से एक विभेद करने वाला है कि यह व्यवस्था आपको देखिए, इसमें जो संवैधानिक संस्थान कार्य नहीं करती, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो इसमें कोई इस तरीके से जैसे आपका रिपोर्ट आया, ये क्या यही भावना को इसमें भी दृष्टित करती है। अगर ऐसा है तो विपक्ष इतने वर्षों से, इतने टाइम से कहते आया है, तो आपको ऐसा करना है तो आप जब हम भारत देश में क्या है कि एक जाति व्यवस्था और जाति जनगणना की बात करती कि कितने भागीदारी है, तो इसको ही करा देना चाहिए आपको कि कितने जाति के लोग में। देखिए महत्वपूर्ण जो चेंज नहीं हो रही है आपका, जैसे पूर्व में जैसा बना, देखिए साथ ही वैदिक युग में क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था था, महायोगेश्वर की वाणी है कि गुण कर्म विभाग था। देखिए गुण और कर्म के आधार पर उस टाइम में जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, कि जो जिसका गुण है और उसमें वैश्य और शूद्र को भी क्षत्रिय बनने का, ब्राह्मण बनने का गुण के हिसाब में जितना उसमें विकास हो जाता है, वह उस गुण में आकर ब्राह्मण क्षत्रिय भी हो सकता है। ये वैदिक काल का था साथियों, लेकिन किस तरीके से इस जो डाटा है, जो आंकड़े को विखंडित करके उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि यह जो वर्चस्व होता है, जो ब्राह्मणिज्म वर्चस्व होता है, जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व होता है, इसको एक अलग फिलॉसफी और जैसे कि एक मनुस्मृति में अलग दर्शन, अलग पर्सपेक्टिव प्रदान किया गया, और जिसमें इसको जन्म के आधार पर बना दिया गया। जन्म के आधार पर कैसे कि जो चारों वर्ण व्यवस्था है, क्यों कि पहले जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र और वैश्य अपनी अपनी योग्यता अयोग्यता के आधार पर थे कि जो योग्य है वो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, क्षत्रिय जितना योग्य है वो क्षत्रिय है, और जो योग्य व्यापारिक में वैश्य है, और जो कम गुणवान है, कम गुणा में कम है,
निम्न गुड़िया उसको शूद्र कहा गया। लेकिन इसी तरीके से यह आवश्यक नहीं कि उनका पुत्र ब्राह्मण का पुत्र में वह ब्राह्मणत्व का गुण हो, क्षत्रिय के पुत्र में वह क्षत्रियत्व का गुण हो, वैश्य के पुत्र में वैश्यत्व का गुण हो। तो यह जरूरी नहीं कि ये गुण हो। तो इसके लिए उत्तर वैदिक युग में आता है तो साथी इन्होंने क्या करा कि इसको जन्म के आधार पर बना दिया और ये दर्शन दे दिया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के सर से उत्पत्ति हुआ है, क्षत्रिय का उसके सीना ब्रह्मादेव के सीना से उत्पत्ति हुआ और वैश्य का कमर और शूद्र का उसके पांव से, जो दलित आदिवासी जो शूद्र हैं इनका उनके पांव से जो ओबीसी जनजाति वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, जनजाति है, दलित है, इनका पैर से उत्पत्ति हुआ। ये अभी जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में, और देखो आज से हजारों साल पहले ये व्यवस्था बनाई गई, आज भी ये व्यवस्था चली आ रही है। तो अगर व्यवस्था को चुनौती देना है, तोड़ना है, तो इस व्यवस्था पर बात करिए, या व्यवस्था पर सर्वे करना है तो इस जो आपने ये जो जातिवादी और मानसिकता ला दी, सबको अपने गोत्र और सरनेम दे दिया, और आपके शासकीय योजनाओं में भी आपके राज्य के नियम ले लो या राष्ट्रीय नियम है, आप जाति के हिसाब पर कानून बनाते हैं, पूरी कार्यवाही आपकी चलती है, तो क्यों ऐसी परिस्थितियों में आप उस गुणातीत को, उस गुण कर्म को आप आज भी जो चला रहे हो, आप गुण पे मानिए, अगर मेरे में वो गुणत्व है, ब्राह्मणत्व भी मैं श्रेष्ठ हूँ, वो जैसे गुण में गुण वर्जिता, जैसे कृष्ण ने कहा कि अगर आप गुण में जो विकास करते करते शूद्र से वैश्य और ये एक समय में गुणातीत हो जाता है हर इंसान में, जैसे कि साथियों तीन गुण होते हैं, तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण, और ये तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर एक ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद वह गुणों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वो गुणातीत हो जाता है। तो तामसिक गुण जिसको साथियों को जिसको प्लेटो का भी यही, प्लेटो के जो पश्चात आप दर्शन शास्त्र में देखेंगे, जो हमारे गीता की फिलॉसफी है उसी चीज़ को वो भी ऐसे ही बताता है कि तामसिक गुण जैसे, तो कॉपर सोल, तीन सोल बताता है वो, तीन आत्मा का फिलॉसफी देता है, कॉपर सोल, सिल्वर सोल और गोल्डन सोल। गोल्डन सोल जो दार्शनिक राजा है, जो दार्शनिक किंग है, जो देश पर राज करने के लिए बना है, उसी के अनुरूप राष्ट्र जो राष्ट्र राज्य है वो चलेगी, जिसका गोल्डन सोल है, जो सोने की आत्मा है। सिल्वर सोल जो सैनिक, जिसमें कंपेशन साहस है, वो सैनिक बनेगा। कॉपर सोल जो व्यापारिक वर्ग, जो उत्पादक वर्ग, प्रोडक्शन वर्ग में आएगा। ये तीन सोल सेम इसी तरह के जो कि गीता में पूर्व में जो दिया गया है, तामसिक गुण, गुण जो गुण कर्म में जो लोभ मोह माया इस प्रवृत्ति में फंसा है, वो तामसिक गुण है। राजसिक गुण जो कि जो कर्म करता है, जैसे कि वह निष्काम कर्म नहीं करता, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदसम, कर्म हेतु भूर्मोमसा मा फलेषु कदसम, ये है। तो जो गीता के श्लोक में कहा है कि जो कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो राजसिक गुण वाले कर्म करते हैं, फल की इच्छा करते हैं और राजभोग के लिए करते हैं, तो वो राजसिक गुण है। और एक है सात्विक गुण, जो कि सात्विक गुण जो एक साथियों के जिसके हृदय में मोह माया द्वेष घृणा ये सारी चीज़ चला गए और जो उसका कर्म, जो पृथ्वी के समस्त जीव जंतु बंधु बांधव मनुष्यों को एक प्रेम करुणा और माया क्षमा और ये एक मोक्ष के दृष्टिकोण से एक परम स्वजन अपने परिवार जन प्रकृति को इसको लेकर आता है, वो सात्विक गुण है, वो महागुणी होते हैं। और ये तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है, वो गुणातीत और ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है, वो वास्तविक मोक्ष होता है। ठीक है साथियों, की जो कि बौद्ध धर्म में अवलोकित है, स्वर्ग के द्वारा जो परम जो उस गुण को पाया जाता है, जो केवल है जैन धर्म में, वही गुणों से अतीत हो जाना, ब्रह्मत्व को पा लेना, ये है साथियों। तो साथियों जो आज के प्राकृतिक परिवेश में जो राजनीतिक पर्सपेक्टिव जो दृष्टिकोण है, आपको तोड़ने की, आपको विखंडित करने की, लड़ाने की जो प्रक्रिया में किस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करके आपको आपके ही संसाधनों से, आपके ही घर से किस तरीके से व्यथित करके हटा लेने की योजना बनाई जाती है। तो साथियों आप सभी से ये इस महासैन्य अभियान में, महाक्रांति लीला में आप बढ़ चढ़ कर भागी बनिए, एक धम्म रक्षक, धार्मिक रक्षक बनिए, एक विश्व धम्म, एक विश्व ज्ञान के मार्ग को पकड़िए, जहाँ पे साथियों क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की जो एक भावना रहेगी, जहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, जहाँ पे जो आपका कर्म है, जो आपके कर्म के आधार पर साथियों सबको सर्वहारा वर्ग का समाज बनेगा। और यह एक महाक्रांति, महासैन्य क्रांति, चाहे वह रेडिकल हो, उग्र हो, और इससे व्यवस्था
व्यवस्था परिवर्तन हो गया और आज के परिप्रेक्ष्य में साथ ही महासैन्य अभियान ही इस महाव्यवस्था परिवर्तन में अग्र पंक्ति की भूमिका निभाएगा। यही उस परमपिता अड़ाकार परमेश्वर का अहम आदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है, जो इसका भागी बनेगा। साथियों, इस पृथ्वी के युगों युगों तक जो युग परिवर्तन में, युग दृष्टा में, लोक परिवर्तन में जो इसमें महत्वपूर्ण उसी की भूमिका होगी, वो इतिहास में जाना जाएगा। विश्व स्तर के हर एक जगह में उसकी ख्याति अर्जित होगी और वहीं के भांति सारे सर्वत्र के जो देवी देवता हैं, देवतागण हैं, जो पृथ्वी के जितने विभिन्न धर्म संप्रदायों के जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे हैं, सब सभी का इनको आशीष मिलने वाला है, उनको सुख शांति मिलने वाला है, समृद्धि और एक नए धर्म युग, नए युग दृष्टा बनाने में ये महत्वपूर्ण आशीष मिलने वाला है। और वे जो इस कर्म में, इस महासैन्य अभियान से दूर होंगे, पृथक होंगे, उनका नाश होने वाला है, उनका नरसंहार होने वाला है, मास प्रलय से भी होने वाला है, जो प्रकृति के जो इस तरीके से पर्यावरणीय अभी जो प्रलय हो रही है लगातार, और जो इस महासैन्य के द्वारा इन्हीं पापियों का, दुष्ट जनों का, कुरीतियों जनों का, इन्हीं का विनाश लीला करने वाला है, महाविनाश होने वाला है। यही सर्वत्र प्रलय है, यही परमपिता परमेश्वर का सर्वत्र गुण है और यही उस निर्गुणी का, अड़ाकार का आपको परम आदेश है। तो आप दो पक्ष हैं साथियों, एक है अधम और एक है धम। अधम का तूला नीचे जा रहा है, धम का तूला ऊपर उठ गया है। तो आप धम रक्षक बनिए और काटिए अधर्मियों को ताकि तूला बराबर हो जाए। काटिए आह्वान है ये महासैन्य अभियान का। आप सभी महासैन्य अभियान का हिस्सा बनिए और उस परम पिता परमेश्वर का उस कुषाण पषाण हस्त कुल्हाड़ लेकर पूरे सब चीज़ों का नरसंहार करने में आप हुआ महासैन्य अभियान युग परिवर्तन में आप अहम भागी बनिए।